ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम इंदौर घूम के आपको टूर कराने वाले हैं। देख सकते हैं इंडिया घर है और आज संडे इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है और आपको हम फिर अंदर जाके वहाँ के दृश्य बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये टिकट है जो हमने टिकट घर से कटवाई और हम 7 जने वैसे एक टिकट के 20 रुपये लगते हैं और आप भी जब आओ तो फिर आपको भी टिकट यहीं से कटवानी पड़ेगी और हम अंदर चलते हैं, हमारे दोस्त लोग अंदर चले गए, फिर आपको बताते हैं अंदर के दृश्य। देख सकते हैं ये मेरे फ्रेंड लोग हैं जो हम घूमने के लिए आए हैं जो सीढ़िया के इंदौर जू में, इसलिए आप भी देख सकते हो और आप मेरे चैनल देख सकते हो। इस साइड में जो दीवारों पे सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं आप भी इधर आके वो सेल्फी ले सकते हो। साइड साइड में पूरे इस ग्रीनरी गार्डन जैसा बना रखा है और ये सेल्फी पॉइंट है। देख सकते हैं ये छोटा सा बंदर है, ये पता नहीं मोरमोर सेट करके हुए छोटा सा बंदर जो सोया है। ये चतुर्भुज जो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी और इसका सबसे बड़ा अंडा होता है। इधर ये छोटे छोटे हैं लेकिन इधर ये बहुत बड़े बड़े दो चतुर्भुज आप देख सकते हो। ये दुनिया के सबसे बड़े पक्षी और इनके अंडा इनका अंडा सबसे बड़ा है जो आप देख सकते हो। जो पक्षी वहाँ बैठे हैं पता नहीं क्या रियाल है जो पानी में है लेकिन वो बाहर निकल के बैठे हैं। जो बड़े बड़े हैं यहाँ पे आप बहुत सारे घड़ियाल हैं जो पानी से बाहर निकल के भी बैठे हैं। आप देख सकते हो इस बाड़े में सफ़ेद सफ़ेद पूरे सफ़ेद मोर है जो सफ़ेद है जिसमें सफ़ेद मोर रखे हुए हैं। इस तरफ से मैं बताता हूँ आपको, तीतल जो है वो भी घास खा रहे हैं। इस बाड़े में जो मगरमच्छ है जो इधर बाहर पानी में निकल कर अभी जो सोए हुए हैं देख सकते हो। यहाँ पर 3-4 ही हो सकता है पानी के अंदर हो। अभी हम यहाँ खड़े सोए हुए 3-4 मगर देख सकते हो। ये दरियाई घोड़े हैं जो अभी पानी में है जो आपको यहाँ से हम दिखाते हैं जो अभी थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं जो दरियाई घोड़े हैं। जो घोड़े भी पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा शीर निकाल रखे हैं उन्होंने बाहर। ये जो देख सकते हो ये अभी पानी के अंदर ही बैठे हुए आराम कर रहे हैं। बगुलों में से एक इतना बड़ा बगुला जो बैठा बहुत बड़ा बगुला है और एक इधर जो दो हैं जो बड़े बड़े हैं आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप इनको कृष्ण मर्ग के नाम से जाना चाहिए। बड़ी बड़ी चीन के हैं जो छोटे छोटे यहाँ घास खा रहे हैं आप देख सकते हैं। कृष्ण मर्ग इनको नाम बड़ी बड़ी सबसे ज़्यादा यही है जो खाना के लिए राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। आप देख सकते हो कृष्ण मर्गों को जो भी खाना खा रहे हैं। इसमें देख सकते हो ये बंदरों का गार्डन है जहाँ बंदर खेलते हहैं। यहाँ पर देख सकते हो आप 3-4 बंदर है और ये झूला उनका है जो झूल रहे हैं अभी। और इधर अंदर भी है बहुत बड़ा इनका बाड़ा बना हुआ जो गार्डन जैसा, ये इनको आराम करने का है। देख सकते हो ये बहुत लंबा जो बड़ा बाड़ा है इसमें नीलगाय वगैरह है जो अभी घास खा रही है। इनको अभी घास दे दिया हुआ है जो इस बाड़े में है। तो बहुत सारे अंदर जो लंबा बाड़ा बना रखा है गार्डन है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। देखो ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं जो चीड़दार पेड़ जैसे दिख रहे हैं जो आप देख सकते हो। शानदार दृश्य है यहाँ का। और इधर ये चिकारा वगैरह है और ये देख सकते हो आज संडे का दिन इसलिए बहुत सारी पब्लिक आई हुई है। इस बाड़े में सियार है जो एक सोया हुआ है, पता नहीं अभी इनको अंदर उस बाड़े में अंदर सोया हुआ देख सकते हो आप। जो ये सोया हुआ आराम कर रहा है इसलिए हम आपको यही बता। फ्रेंड्स इस बाड़े में जंगली बिल्ली है जो देख सकते हो, बहुत बड़ी बिल्ली है जो एक ये बैठी और एक नीचे भी है और अभी आराम कर रहे हैं। हम आपको इधर बता रहे हैं जाली शर्ट दिखने की जो है बहुत। फ्रेंड्स देख सकते हो इस बाड़े में भेड़िया है लेकिन भेड़िया कहीं दिख नहीं रहा, पता नहीं उधर कहीं अंदर ये जो सोए हुए होंगे लेकिन आराम कर रहे हैं। तो अभी हमको यहाँ दिख नहीं रहा इसलिए हमें बताते हैं ये बाड़ा उनका भेड़िया। फ्रेंड्स देख सकते हो इस साइड में जो है खान नदी जो इंदौर के चिड़िया घर के बीच में से निकल रही है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। चालू चालू थोड़ी देर ले चल तो पास ही में रखा हुआ बहुत बड़ा तो चलो चिल्ला रहे दिखा देती है।
सी है बंगाल टाइगर, जो देख सकते हो जो अभी आ रहा है इस गार्डन में, वो तीन चार विशेष बंगाल टाइगर है जो फ्रेंड्स इस गार्डन में शेर रखे हुए हैं, जो देख सकते हो आपको यहाँ फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो आप पाँच छः जो शेर है जो बड़े बड़े बैठे हैं, ये और भी इधर साइड में बहुत सारे हैं, सात आठ हैं, सब आराम कर रहे हैं, देख सकते हो आप शेर का है शेर वो रहा देख अमो वो रहा वो सामने देख एक और नीचे भी है रहा ये है फ्रेंड्स चाट चौपाटी और ये इधर फूड जोन जो इंदौर जू के अंदर ही है, यहाँ पर आप चाय नाश्ता जूस वूस सब पी सकते हो और ये है यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है अंदर जो दुकानें भी यहाँ फ्रेंड्स सात आठ हैं, लेकिन ये इधर बैठ के खाने पीने की व्यवस्था भी जो लोग बैठे बैठे सब खा पी रहे हैं देख रहे हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस गार्डन में तेंदू है आप देख सकते हो जो मंत्रा जो इधर आया है यहाँ दिख रहा है जो अंदर आप देख सकते हैं जो तेंदू है जो अभी सोया हुआ है, दो तीन ऐसे तेंदू है इस गार्डन में एक तेंदू है जो हमें दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस गार्डन में जो भालू है भालू तीन है यहाँ पर सोए हुए और एक बैठा देख सकते हो वहाँ पे कैसे सोया हुआ है ऊपर ऊपर पेट करके सोया हुआ है और एक नीचे भी बैठा है आप देख सकते हो इस गार्डन में तीन भालू रखे हुए हैं। फ्रेंड्स इस गार्डन में ब्लैक और वाइट टाइगर जो आप देख सकते हो इस गार्डन में जो आपको हम अभी दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो व्हाइट टाइगर और ब्लैक टाइगर इस गार्डन में अभी लेटा हुआ है ये यहाँ
खरगोश है तो चल बोल बोल चला आप सही हो मोर जन बोल देख सिपाही काटता है क्यों भैया काटता तो नहीं है नहीं काटता ना बच्चे यही तो खाते हैं हेड बने यहाँ पे देखने के लिए तीसरी आंख जैसा होता है इनका देख नहीं पाते पर सेंस कर लेते तो इसको यहाँ पे अलाउ मतलब ऐसा अच्छा लगता है हाँ घोड़े मध्य रखा तुम बोल रहे भाई देखते उसकी आवाज ही ठीक नहीं है आवाज ही ठीक करते हैं गुस्से में है जादू गया फोन फोटो खींचूंगी।
तो रहे हैं अपन वाह जी फ्रेंड्स, हम जूम में घूम फिर के अब बाहर आ गए हैं, जो अब हम बाहर की ओर अब घर जा रहे हैं, जो कि पूरे जू में हमने घूम लिया है, अब हम बाहर निकल ही रहे हैं। फ्रेंड्स, फाइनली मैं जू से बाहर आ गए हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मैं जू से फाइनली बाहर आ चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।